खजूर जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है और इसका डेली का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो फ्रूट को बेसिकली तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि ये हमारी सेहत में क्या क्या फ़ायदे दे सकते हैं कि डेली तकरीबन 2 से 7 खजूरों का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और इसमें मौजूद हैं वो तमाम तर चीज़ें जो इंसानी सेहत और इंसान की डेली की ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरी मौजूद है जो कि ड्राइड फ्रूट में होती है और इसकी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब से ली जाती हैं। इसमें मौजूद है मिनरल्स विटामिन जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। सुना जाता है कि जो लोग कमज़ोर हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उन्हें खजूर खिलाई जाए यानी उन्हें डेट्स का इस्तेमाल कराया जाए। जी तो इसमें मौजूद है डिजीज़ फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट यानी ये हमें बचाते हैं ऐसी बीमारियों से जो हमें कमज़ोर कर देती हैं और हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके खाने के इस्तेमाल से एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेहत में शामिल होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। फ्लेविनॉइड्स मौजूद हैं जो कि कैंसर की बहुत ज़्यादा एग्जाम से हमें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं और इसके अलावा हमारे बॉडी में अगर कोई इस तरह के हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी भी बीमारी का सबब बनते हैं ये उससे भी बचाने में हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। उसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं जो हमारी दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और उसके अलावा हमारी आँख से रिलेटेड कोई भी अगर बीमारी है तो उसको भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें फिनोलिक एसिड भी मौजूद है जो कैंसर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। इसके बाद इसकी और खूबी के बारे में बात करते हैं कि इसमें ब्रेन यानी दिमाग को सेहतमंद बनाने की खसूसियात भी मौजूद हैं। इस पर बाकायदा स्टडी की गई है, इसमें मौजूद हैं ऐसी खसूसियात जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद होता है और हमारी बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं या डिजीनेस है या सुस्ती का शिकार होना, दिमाग का फोकस ना कर पाना, कोई बात सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेना या कुछ ना सोच पाना, फोकस ना कर पाना, ये उस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और खूबी मौजूद है और ये है हड्डियों को मजबूत करने की। तो डेट्स यानी कि खजूर में मौजूद है मिनरल्स जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जिससे हमें बहुत ज़्यादा हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं और हड्डियों की एक बीमारी है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है उससे भी बचाने में काम करती है। इसके बाद ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिससे हमारे डायबिटीज़ यानी कि शुगर की लेवल को मुनासिब हद तक रखती है, ना ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा कम होता है। इसके बाद इसकी और खूबी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नेचुरल लेबर के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी और खूबी के बारे में बात करते हैं कि खजूर का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत देता है और इसमें मौजूद है फ़ाइबर्स की बहुत ज़्यादा मिकदार। तो अगर आप फ़ाइबर को डेली अपनी ज़िंदगी में पूरा अपनी अमाउंट लेना चाहते हैं तो खजूर उसका बेहतरीन सोर्स है। जो फ़ाइबर्स हैं खजूर के ज़रिए हासिल किए जाते हैं उससे हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ यानी हाजमे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है जिससे हमें बहुत बड़ा मसला आजकल कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का है ये उसको भी ठीक करता है। उसके अलावा पेट में मरोड़ दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए 7 खजूर डेली खाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं इसकी मज़ीद, तो ये स्किन हेल्थ को भी प्रमोट करता है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की खजूर के बेहतरीन फ़ायदों के बारे में और अपनी सेहत को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।